अज़ान मोहतरम, दुरूद और सलावात, रहमतें, बरकतें, सलामतियां नाजिल करने का नाम है। और ये वो काम है कि जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कदम कदम पर कर रहे होते हैं किसी ना किसी अंदाज से। एक जुमला बहुत ही मारूफ हो चुका है गुफ्तो शनीद में, रोजमर्रा के हमारी बातचीत के अंदर हम सुनते हैं, जब किसी से बात करते हैं, किसी को दुआ देना चाहते हैं तो कहते हैं खुदा तुम्हें सलामत रखे, सलामत रहो। यही तो है जो सलामती किसी पर भेजना है। हर मुसलमान दुनिया में कहीं पर भी बसता हो, वो अपने लिए दुरूद पढ़ने को शर्फ समझता है और इसका अमली जामा इस अंदाज से इंसानों से पहनाया करता है कि दिन में 5 मरतबा अपनी नमाजों में रसूल अकरम पर सलाम को भेजता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। चाहते ना चाहते, तवज्जो होते ना होते, यह अमर अंजाम पा रहा होता है दिन में 5 मरतबा कम से कम। और ये इंसान की तरफ से नहीं है बल्कि खुदा ताला ने अपने बंदों पर वाजिब किया है जुज़्वे नमाज के तौर पर। फ़ज़ाइल सलावात एक इतना कुशादा और इतना वसी मौजू है कि जिसमें वाकई बयानात दरकार है, तकरीरात दरकार है। अपने आप को इस सआदत से शरफियाब करने के लिए खुदा ताला ने अपने हबीब तरीन बंदे, हबीब तरीन मखलूक, वो के जिस पर खुद खुदा रहमत नाजिल कर रहा होता है, या वो अमल, वो इबादत, दुरूद और सलावात की इबादत जो खुद खुदा अंजाम दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारा कोई दोस्त हो और हम उससे बड़ी मोहब्बत करते हो, उसे अपना हबीब जानते हो, और अगर कोई शख्स आकर उसके साथ शफकत वाला बर्ताव करना शुरू कर दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। वो कि जिससे हम भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, कोई और शख्स आकर उसके साथ शफकत वाला बर्ताव करता है तो हमें मसर्रत होती है, हमें खुशी होती है। चिजाई के वो कि जो खुदा का हबीब हो, हबीबुल्लाह हो। खुदा ताला ने इसमें ये फजीलत को रखा है सलावात के अंदर कि जो शख्स नमाज के इख्तिताम पर 3 मरतबा अपने पहलू को बदले बगैर जिस पहलू पर बैठा है उसी पर बैठा रहे और 3 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है, वो 3 मरतबा दुरूद भेजना उस इंसान की, उस शख्स की नमाज की कबूलियत की जमानत है। तो कहीं पर गुनाहों से मगफिरत रसूल अकरम खुद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मर्रतन लम यबका मिन ज़ुनूबिही ज़र्रतन। हर वो शख्स के जो मुझ पर सलावात नहीं 1 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, खुदा ताला उसके तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमा देगा।